तो हे गाइस, दिस इज योर बॉय यश। आज की वीडियो में मैं अपना इंस्टीट्यूट IIIT के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। सो वी विल जस्ट सी कि हाउ IIIT फॉर्म, हाउ अ स्टूडेंट टेक एडमिशन, प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है, कोडिंग कल्चर कैसा है, हमारे हॉस्टल्स कैसे हैं, कोर्स फैसिलिटीज क्या है, लास्टली हाउ इज द फूड ऑफ मैथ्स। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। IIIT VICD, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस डीयू, इज ए सैटेलाइट कैंपस ऑफ IIIT VI, एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो व्हाट इज सैटेलाइट कैंपस? सैटेलाइट कैंपस मतलब ए ब्रांच ऑफ ए मेन कैंपस लोकेटेड इन द डिफरेंट कंट्री, स्टेट और एरिया। IIIT VICD हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट एजुकेशन हब KVD डीयू अंडर पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीयू विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स BOG। IIIT VICD हैज एडमिटेड इट्स फर्स्ट बैच ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फ्रॉम अकेडमिक ईयर 2020-21। सो इस समय लॉकडाउन था तो हम लोग ने पूरे 3 सेमेस्टर ऑनलाइन ही सर्वाइव किया। जो फर्स्ट ईयर वाले मजा था वो पूरा नहीं कर पाए, पर स्टिल वी आर मैनेजिंग। और एजुकेशन हब स्प्रेड ओवर 25 acres, द कैंपस हैज टोटल बिल्ट अप एरिया ऑफ 12,908 square meters। इट प्रेजेंटली हाउसेस गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ पे स्ट्रीम है BA, BCom एंड BSc एंड पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैरीन इंजीनियरिंग, एफिलेटेड टू गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी। यस, वी आर शेयरिंग द इंस्टीट्यूट टू द गवर्नमेंट कॉलेज एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये बात सही है। एडमिशन की बात करें, आप केवल JEE मेंस के थ्रू ही यहाँ पर आ सकते हैं अंडर जोसा और CSAP काउंसलिंग, जैसे बाकी सब IIITs और NITs और IITs के थ्रू अपन आते हैं। दैट्स द ओनली। सो नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट प्लेसमेंट। करंटली कॉलेज का कोई प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि पहला बैच ही हमारा बैच है जो कि सबसे पहले निकलेगा 2024 में। सो नो प्लेसमेंट्स एज ऑफ नाउ। तो यदि बात करूँ कोडिंग कल्चर की, तो करंटली यहाँ केवल एक ही स्ट्रीम है, एज यू नो CSE। इसका मतलब जो आपका रूममेट है वो भी खुद CSE से है, तो यहाँ का कोडिंग कल्चर अच्छा है। पर इन द हॉस्टल्स एरिया सेल्यूलर नेटवर्क इज द मेजर कंसर्न। मेरा मतलब कि जो सेल्यूलर नेटवर्क है यहाँ का वो ज्यादा अच्छा नहीं है। इंस्टीट्यूट स्टिल वर्क कर रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड होप एट द एंड ऑफ द ईयर वी जस्ट फाइंड अ सॉल्यूशन। हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें, तो इंस्टीट्यूट हैव इट्स ओन हॉस्टल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ सेपरेटली, एंड क्योंकि इंस्टीट्यूट नया है इसलिए अभी हॉस्टल रूम्स न्यू है। सो दिस इज द गुड न्यूज फॉर अपकमिंग फ्रेशर्स ऑफ 2020 एंड 23। देयर ओनली डबल शेयरिंग रूम एज ऑफ नाउ बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। अरे हॉट टॉपिक पे जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटी, सारे जूनियर्स और फ्रेशर्स का यही डाउट होता है कि कैसा स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, कैसे क्या ग्राउंड है कि नहीं। अभी करंटली IIIT VICD ओनली हैव एक छोटा ग्राउंड जो जस्ट अभी बना है, और एक ग्राउंड है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट जब तक नया बैच आएगा इट मे बी रेडी। अपार्ट फ्रॉम दिस IIIT VICD अराउंड 4 किलोमीटर दूर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो कि दीयू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज लाइक स्विमिंग, जिम, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कराते एंड ऑल्सो हैविंग अ ग्राउंड फॉर फुटबॉल क्रिकेट, जहाँ पे अभी जस्ट रिसेंटली हमारा स्पोर्ट फेस्ट हुआ, 2 इवेंट हुए थे क्रिकेट एंड फुटबॉल। मैं सुन के पहली चीज क्या दिमाग में आती है, पानी जैसी दाल और कच्ची रोटी, लॉल। पर फॉर्चुनेटली वी हैव वेरी गुड मैस विद 4 times फूड अ डे, टेकिंग केयर ऑफ हाइजीन टू। द मैस इज फ्रॉम जयसवाल कैंटीन। जो लोग गुजरात से हैं वो लोग मे बी इसके बारे में वाकिफ होंगे, पूरे गुजरात में कब्जा करके रखा हुआ है इन लोगों ने। अब जो लोग वाकिफ नहीं है उनके लिए ये है कि खाना अच्छा है यार, फील करो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो, टिल देन टेक केयर।